इस समय का बड़ा अपडेट आपको अर्थ न्यूज़ के माध्यम से साझा करते हुए आपको बता दें कि चाइल्ड वेलफेयर वाले जो हैं वो इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँची है और ये टीमें जो है वो यहाँ पे पहुंची है ताकि जांच जो है वो की जा सके कि आखिरकार क्यों एक पिता जो है वो इस तरह की वीडियो जो है वो साझी हुई है। हम बता दें कि लाल चाइल्ड वेलफेयर वाले और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँची है और जिस तरह से एक वीडियो जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि एक पिता जो कि बच्चों को जो है बुरी तरह से डांट रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो उस वीडियो में उनके साथ मारपीट कर रहा है और उसके बाद अब जैसे ये वीडियो वायरल हुई और सोशल वेलफेयर वालों तक पहुँची तो वो लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और उन बच्चों को जो है वो रेस्क्यू करने पहुंचे हैं और टीमें फ़िलहाल इस समय जो है पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है इन दो बच्चों को। और जिस तरह से बात करें तो अब पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है फिलहाल आपको बता दें कि चाइल्ड हेल्पलाइन की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल इस समय आपको बता दें कि बच्चों को जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अभी पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँची है बच्चों नी के साथ और बातचीत जो है वो इस समय यहाँ पर चल रही है और कहीं ना कहीं अब इन बच्चों को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं आप टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं पुलिस के साथ साथ सोशल वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर की टीमें यहाँ पर जो है वो पहुँची हैं और आज इन बच्चों को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। पिता जो कि बच्चियों को प्रताड़ित कर रहा था एक वीडियो में, जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और अब पुलिस भी यहाँ पर जो है वो पहुँची है। नहीं सर मारते नहीं है ऐसे, कभी बच्चे शरारत करते हैं तो फिर हाँ बच्चे को बच्चे शरारत करते हैं तो फिर पेरेंट्स को डांटते तो हैं। डांटना ना ठीक है, डांटना बुरी बात नहीं, आपका हक है, आपके बच्चे हैं, डांटना आपका हक है, लेकिन ना थोड़ा ध्यान रखते हैं ना फिर ऐसे। देखो नहीं ऐसे ध्यान रखते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ध्यान रखते हैं वो, मतलब इनके पापा नहीं आते हैं, जो बीमार होते हैं कुछ करते हैं यही देखते हैं इनको, तो कभी कभी बच्चे अब शैतानी करते हैं तो फिर बच्चों को थोड़ा बहुत तो डराना तो हक बनता ही है पेरेंट्स। ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो तो ये पहले की है, बहुत पहले किसने बनाई थी? मतलब बनाई होगी ना किसी, किसी ने अब ये मैंने वायरल नहीं किया ना, बनाई किसने थी? ये आपने बनाई थी या किसी और? ये मैंने ही बनाई थी, ऐसे बच्चों को डरा रहे थे तो मैंने बनाई थी पर हमने वायरल नहीं की। तो फिर ये बाहर कैसे आ गई? आपने किसी को दी होगी ना? आपको नहीं लगता कि इस तरह बच्चों पे टॉर्चर करना गलत है? हाँ लगता तो है, लेकिन हाथ में चप्पल है, बेल्ट है, क्या इस तरह से बच्चे सुधरेंगे? देखिए ये वीडियो बाहर भी आ गई है, अगर आपकी वीडियो थी ये आपके थ्रू भी बाहर गई होगी, फिर बाहर कैसे आई? नहीं ऐसे मैंने अपनी फैमिली को भेजी थी मायके में, ऐसे ही भेजी थी उनके पास। किस लिए भेजी थी, किस पर्पस के लिए आपने भेजी थी? बच्चे आपके रो रहे हैं उस वीडियो में, माँ आप ऐसा देख रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए ना आपने अपनी फैमिली को क्या सोच के भेजी थी, थोड़ा बताएंगे हमें क्या सोचा था ये फैमिली को भेजने? सर देखो मेरी ये बात है कि अब मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जी जी ठीक है, मुझे मायके वाले भी सपोर्ट नहीं करते
तो मैंने अपना हस्बैंड छोड़ के इससे शादी की थी, ठीक है। अच्छा। तो अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती। अच्छा, स्टेप फादर है। जी, जी जी। तो किराए पे हम रहते हैं, मेरे पास कोई घर नहीं। अगर ये भी मुझे छोड़ देगा तो फिर मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी दोनों, ठीक है। मुझे मायके वाले भी नहीं रखते हैं। अच्छा, ये आपको यही डर है कि अगर मैं बोलूंगी तो मुझे ये छोड़ देगा? हाँ, ये भी तो घर से निकाला हुआ है, इसके पास भी कोई घर नहीं है, ठीक है। ये रेंट पे रह रहा है, ठीक है, इसके पास भी अपना घर नहीं है। तो ये वीडियो कब आपने शेयर की थी फैमिली के साथ? ये बहुत पहले, ये कोई 2-3 साल की बात है। ये अब एक्टिव कैसे हुई है? अब ऐसे ही वो घर में छोटी मोटी तो लड़ाई हो ही जाती है हर घर में। ये 2-3 साल पुरानी तो लगती है, बच्चे नहीं लग रहे। नहीं नहीं, ये वीडियो बहुत पुरानी है। आप अब की नहीं, ये दिख नहीं रहा, ये तो इसी उम्र का दिख रहा है जिस तरह। ये थोड़ा है ऐसे ही, इसका कादी थोड़ा ऐसा है, ये 8वें साल में लगा हुआ है। नहीं, वीडियो में लग रहा है कि इतनी उम्र है बच्चों की। नहीं, वीडियो को कि आप इस तरह नहीं टॉर्चर करें बच्चों को। नहीं, वो टॉर्चर नहीं करते हैं बच्चों को, प्यार भी करते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़ी बहुत शैतानी करते हैं तो फिर बच्चों को ऐसे डांटता कौन है? मेरे को बताओ ना, ऐसे कौन डांटता? आप अपनी बेटी को देखिए और ये देखिए कि पूरा सेम इसमें, तो बच्चा अगर छोटा है या कुछ है इसमें दिखता नहीं है। वो तो है, जो बच्चा वो बिल्कुल इसी एज ग्रुप का लग रहा है। नहीं, लेकिन वीडियो पुरानी है, अब भी आप जांच कर सकते हैं। हमारे पास नहीं आई, ये तो चेक कर रहे हैं ना कि वीडियो आप ही के घर की है। ये बच्चे आपके हैं इस वीडियो? हाँ, बच्चे तो मेरे हैं। जी, बच्चे यही है, फादर भी वही है। बनाई आपने? हाँ जी, मैंने बनाई थी। तो क्या सोच के बनाई थी उस टाइम? क्या बनाई थी? भाई, मैंने ऐसे ही सोचा था कि कल के दिन अगर मुझे कोई परेशानी आएगी, या इसने दूसरी शादी भी कर रखी है, 2 शादियां हैं, तो बच्चों को परेशान करेगा, तो फिर अपने पास थोड़ा बहुत सबूत तो होना ही चाहिए ना। यानी आपने फंसाने के लिए किया था? नहीं, मैं फंसाने के लिए नहीं कर रही थी, अगर मैंने फंसाना हो तब भी फंसाती। लेकिन स्टेटमेंट बहुत बड़ी दे रहे हैं, सोच समझ के बोलिए क्या बोल रहे हो आप। देखो, आप क्या बोल रहे हो, ये टीमें इस समय चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड प्रोटेक्शन की, पुलिस की टीमें जो आपके पास आई हुई है, वो ये वायरल वीडियो की है, क्योंकि समाज में गलत संदेश ना जाए जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है। और सच आप बताएंगी तो अगर कोई जाती बच्चों के साथ हो रही है तो ये समय रहता है, आज ये हो रहा है, कल को कुछ और होगा। अगर नहीं था फिर ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था? क्या उस आप भी एक माँ हो, आपने ये नहीं सोचा कि मैं माँ हूँ, मेरे सामने ये बच्चों को ऐसे डरा रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये बात देखो, मेरा मैं इन बच्चों को। अभी पति कहाँ है आपके? अभी वो बाहर गए हैं कहीं काम से। कब के गए हैं? अभी गए हैं कोई 10-20 मिनट पहले। उनको पता था यहाँ हमारे? नहीं नहीं, ये पता नहीं था उनको। वीडियो का पता? वीडियो वायरल हो गई, ये भी नहीं उनको पता। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो इसका मतलब कि आप बात बाहर बताएंगे नहीं? मैम देखो, ये मेरे बच्चों को पढ़ाई का भी बहुत मामला है, मेरे को घर भी नहीं है अपना, मैं बहुत बच्चों का जो गलत हो रहा है देखिए। फिलहाल यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, और एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक पिता अपने बच्चों को जो है वो बेल्ट और चप्पल के साथ उन्हें डरा रहा है, उन्हें मार रहा है। और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर जो है वो पहुँची है और इन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। और पुलिस भी अगर बात करें तो इस समय यहाँ पर है, माँ भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। और माँ ने क्या कुछ कहा? फिलहाल इस समय पुलिस जो है वो यहाँ पर बातचीत कर रही है, उसकी जाँच पड़ताल कर रही है कि वीडियो आखिरकार किस तरह से वायरल हुई है और किसने वायरल की है और बनाई किसने है, सबसे बड़ा सवाल है। बनाने का सवाल आपको बता दें तो माँ का कहना है कि मैंने बनाई है। और ये कंप्लेंट कराई थी तो मेरे मायके वालों ने सोचा कि शायद हमारी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, वो पुंछ में रहते हैं, ठीक है। फिर छोटी मोटी तो हर घर में लड़ाई होती है तो कंप्लेंट भी बंदा कराता है पास में जाके, तो वो सोचते हैं कि शायद इसलिए उन्होंने वीडियो वायरल कर दी होगी। देखो ना, वो ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन छोटी मोटी कंप्लेंट में हम कहाँ जाते हैं पुलिस के पास? लड़ाइयों में छोटी मोटी लड़ाई कभी सुनी है पुलिस स्टेशन जाते हुए? आप खुद बताओ। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई में आप जरा अपने हाथ दिखाओ, आपके हाथ सिगरेट से जले हुए हैं ना? ये नहीं, ये मैं रोटी बनाते जले हुए हैं। ऐसे कैसे, कौन सी रोटी? खाना खाना बनाती हूँ ना तो फिर जल जाते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है आप छुपा रहे हैं ना? मैं कुछ नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रही। डर है आपको किसी चीज का? आप जानते हो इनको, ये नंबर किनका है, कौन है ये? मैं नहीं जानती। भाई साहब, कौन बोल रहे हैं आप? जी नहीं जानती है मेरे को, ये अपना प्रेशर में है, उसलिए ये बोल डर रही है, ठीक है जी। मेरे से सारी कल बात बताई इसने मुझे, ठीक है नहीं? अच्छा, हाँ तो क्या बताना चाहेंगे आप इस समय? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात अपनी रखना चाहेंगे आप? लगता है
चलिए जी, अब ये पुलिस के अधीन जो है मामला आ चुका है। जी ये पुलिस के अधीन जो है वो मामला आ चुका है, और अब पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी और चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीमों से भी जो है वो अपील है कि आपसे इस मामले की जो है वो पूरी जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि दो छोटे छोटे बच्चों के साथ है, एक वीडियो में जो है वो पिता जो है वो उन्हें चप्पल से डरा रहा है, बेल्ट से डरा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जब ये वीडियो वायरल हुई तो चाइल्ड प्रोटेक्शन तक जब ये वीडियो पहुंची, पुलिस तक ये वीडियो पहुंची, तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो क्विक एक्शन लिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीमों ने जो है वो क्विक एक्शन लिया। जिस तरह से बात करें तो जो माँ है इन बच्चों की वो भी इस समय कहीं ना कहीं डरी हुई हैं और बातें जो हैं वो खुलकर नहीं सामने ला पा रही हैं, लेकिन इस समय जो है वो यहाँ पर जिस तरह से बात करें तो यहाँ पर इस समय जो है वो कोशिश की जा रही है अभी इनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत जो है वो की जाए और पूरा मामला जो है वो जाना जाए कि ऐसा बच्चों के साथ किया तो किया क्यों, और अब मेन बात अब ये है कि वीडियो जो वायरल हुई है कहाँ तक ये वायरल हुई है, किन किन लोगों तक ये वीडियो पहुँची है। फिलहाल माँ इस समय कुछ बोल नहीं पा रही है ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक वीडियो जो वायरल हुई है उसके बाद ये देखने को आया है, सामने देखने को मिल रहा है कि बच्चों को जो है उस वीडियो में डांटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इस समय यहाँ पर मौके पर हैं और वो अभी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का दौर जारी है, और कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो क्या यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा या बातचीत में ही जो है वो सब सामने आएगा। तो फिलहाल अपनी राय जो है वो अपनी राय जितनी भी है वो आप लोग ज़रूर साझा करेगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी आपको बता दें कि इस वीडियो का सच क्या है, क्या कारण से ये वीडियो बनाई गई है, किस वजह से ये वीडियो बनाई गई है और क्या कुछ इस वीडियो का सच है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में डिटेल जरूर साझा करिएगा। देखते रहिए अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अमित के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।